हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे चैनल का लोगो है एसएपी जर्नी, और आप हमारी सभी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एसडी कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड पार्ट। जो हमारी लास्ट वीडियो थी दोस्तों, उसमें हमने सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट थी उसमें हमने डिफाइन किया था कंपनी, और कंपनी के बारे में डिटेल हमने समझी थी कि कंपनी क्या है और एसएपी में उसे कैसे डिफाइन करते हैं। और उसके बाद हमने कंपनी कोड बताया था आपको कि कंपनी कोड क्या है और कंपनी कोड को एसएपी में कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी तो ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, और ये जो कंपनी कोड दिख रहा है और कंपनी दिख रही है, हम ऑलरेडी ये एसएपी में डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की, एंटरप्राइजेस की, वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं कि सेल्स एरिया क्या है। सेल्स एरिया क्या है दोस्तों? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न, तो इन तीनों को जो मिला के जो एरिया बनता है उसको हम सेल्स एरिया बोलते हैं एसएपी एसडी मॉड्यूल के अंदर। आगे हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। ए सेल्स एरिया इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड डिवीज़न। हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं एसएपी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, इसे एसएपी के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे, और डिवीज़न क्या है, इसे एसएपी के अंदर हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मान लीजिए ये मेरी एक कंपनी है और ये एक सेल ऑर्गेनाइजेशन है इस कंपनी के अंदर। सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए सेल ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट दैट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुड एंड सर्विस अलोंग विद नेगोशिएशन टर्म ऑफ सेल्स। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर एक सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को या गुड्स को सेल करती है एंड कस्टमर को, और उसकी जो उसके जो प्राइस होते हैं उसमें नेगोशिएटिंग करके उसके प्राइस को फाइनलाइज करती है। तो जैसे कि हम सेल टीम बोल सकते हैं, जो मटेरियल कंपनी का जो मटेरियल बेचते हैं या मार्केटिंग के लिए, वो टीम हमारी इसमें क्या होगी, सेल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपनी या छोटे से छोटे बिजनेस में एक आप अगर कहीं से कुछ परचेज़ करते हैं तो आपको काउंटर पे एक बंदा बैठा मिलता है, तो वो क्या कर रहा है, वो सेल डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, वो मटेरियल सेल कर रहा है और आपसे उसका प्राइस फाइनल कर रहा है। तो ऐसे ही कंपनी के अंदर एक बड़ी कंपनी के अंदर एक सेल ऑर्गेनाइजेशन पूरा ग्रुप होता है जो मटेरियल को बेचने का काम करता है एंड कस्टमर को, और जो प्राइस के अगेंस्ट में जो डीलिंग रहती है कि किस प्राइस पे आपको मटेरियल बेचेगा, तो वो सारा फाइनलाइज करता है सेल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ लाइबल फॉर द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कस्टमर राइट्स ऑफ रिसोर्सेज। और ये किस लिए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी इस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट आप एंड कस्टमर को यूज़ करें बेचेंगे, ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी प्रोडक्ट इस कंपनी का एंड कस्टमर को बेचता है और अगर वो डिफेक्टेड निकलता है या वो उसमें कोई और प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए भी लाइबल कौन है, ये सेल ऑर्गेनाइजेशन। हमको ये तो पता चल गया दोस्तों सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। उसके बाद हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, इसके नाम से ही आप जान सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
आइए पढ़ते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ए इज द मीन्स थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन सेल इट्स प्रोडक्ट टू द एंड कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है दोस्तों, मान लीजिए सेल ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस कंपनी का मटेरियल किस मीडियम के थ्रू एंड कस्टमर को बेच रही है। मान लीजिए ये एंड कस्टमर है तो ये सेल ऑर्गेनाइजेशन इस एंड कस्टमर को डायरेक्ट भी मटेरियल बेच सकती है, डायरेक्ट सेल टू द एंड कस्टमर, बीच में कोई भी यहाँ इंटरफेयर नहीं करेगा, डायरेक्ट डीलिंग करेगी इस कस्टमर के साथ, या फिर हम ये सेल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिटेलर को मटेरियल बेच सकती है और ये आगे एंड कस्टमर को सेल कर देगा, या फिर होलसेलर को मटेरियल बेच सकती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक टाइप से मीडियम है जिसके थ्रू हम अपना मटेरियल सेल करते हैं। टिपिकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंक्लूड होलसेलर, रिटेलर और डायरेक्ट सेल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर इंक्लूड कौन कौन से होते हैं, होलसेलर, रिटेलर या डायरेक्ट सेल। द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन ऑल्सो बी यूज टू अचीव फ्लेक्सिबल प्राइस। जो प्राइजिंग का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो प्राइजिंग की, उसके लिए भी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट एंड कस्टमर को बेचते हैं तो हमको अच्छा मार्जिन मिलता है, रिटेलर को बेचते हैं थोड़ा और कम मार्जिन मिलता है, होलसेलर को बेचते हैं तो और कम मार्जिन मिलता है, क्योंकि जो होलसेलर है वो हमारा मटेरियल बल्क में उठाता है तो उसको हमको डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ता है और प्राइस भी जो उसकी डिमांड रहती है उसके नियर बाय रहते हैं। ऐसे ही रिटेलर है, एंड कस्टमर को जो हम प्राइस देंगे अगर वो सेटिस्फाई है तो वो पूरी पेमेंट हमको करता है, रिटेलर या होलसेलर को मोस्टली हमको डिस्काउंट देना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के किस मीडियम के थ्रू हम हमारा मटेरियल एंड कस्टमर तक पहुँच रहा है। एक तो हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं एंड कस्टमर को, या फिर हम रिटेलर को बेचेंगे, जैसे कि राशन की दुकान हो गई उस पर हमने मटेरियल सेल कर दिया और वो राशन की शॉप से हम जो एंड कस्टमर है वो वहाँ से परचेज़ करेगा। तो इस कंपनी का मटेरियल सबसे पहले रिटेलर पे गया और फिर रिटेलर ने आगे एंड कस्टमर को बेच दिया। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दोस्तों। उसके बाद आता है डिवीज़न। डिवीज़न क्या है, ए डिवीज़न रिप्रेजेंट ए प्रोडक्ट ग्रुप और ए प्रोडक्ट लाइन। डिवीज़न क्या है दोस्तों, डिवीज़न यहाँ एग्जांपल देखते हैं। हेयर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ पाइप इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्ट ग्रुप एंड प्रोडक्ट लाइन। तो ये प्रोडक्ट ग्रुप क्या है और प्रोडक्ट लाइन क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि एक पाइप इंडस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं कि जो राउंड पाइप है उसको मैंने एक ग्रुप दिया है और जो स्क्वायर पाइप है उसको एक मैंने ग्रुप दिया है, और प्रोडक्ट लाइन भी इसी टाइप से है। मान लीजिए कि एक टाटा कंपनी है और वो मोटर भी बना रही है और टाटा का नमक भी आता है, तो प्रोडक्ट लाइन, तो टाटा कंपनी की दो प्रोडक्ट लाइन हो गई दोस्तों, एक तो जो मोटर बना रही है मोटर लाइन हो गई और एक ये जो साल्ट बना रही है टाटा का वो लाइन, तो इसकी दो प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो हमारे पास जितना भी मटेरियल है उसको हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं या प्रोडक्ट लाइन में। अगर प्रोडक्ट लाइन में डिवाइड होगा तो वो एक अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, और प्रोडक्ट ग्रुप होगा तो वो एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जिसके प्रोडक्ट एक ही चीज़ से मैन्युफैक्चर होंगे बट उनका साइज और दिखने में वो डिफरेंट होंगे। तो हमने अभी सेल्स एरिया समझा है दोस्तों। सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन समझी, जो भी कंपनी के अंदर सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेल डिपार्टमेंट होता है, वो एंड कस्टमर को या रिटेलर को या होलसेलर को मटेरियल बेचता है, उसी को हम सेल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आगे इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप होते हैं और ग्रुप के अंदर पर्सन होता है पर्टिकुलर, तो उनके बारे में भी समझेंगे और उनको कॉन्फ़िगर भी करेंगे SAP SD के अंदर। तो अभी हमने समझा कि सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है और डिवीज़न क्या है।
तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो सेल एरिया किन से मिलकर बना है, सेल ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के अंदर मटेरियल बेच रही है, जो डिपार्टमेंट उसको हम सेल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, किस मीडियम के थ्रू वो बेच रहा है मटेरियल, ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है ये डायरेक्ट मटेरियल बेच रही है या रिटेलर को या होलसेलर को, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिवीज़न हो गया कि जो प्रोडक्ट बना रही है वो किस किस टाइप के हैं प्रोडक्ट, तो उनको कैटेगराइज करते हैं हम डिवीज़न के अंदर। तो आइए इनको, हमने ये तो समझ लिया कि सेल्स एरिया क्या है, सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है और डिवीज़न क्या है। अब हम इनको SAP में कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। इसके लिए जो मैंने आपको बुक प्रोवाइड करवाई हुई है SAP SD कॉन्फ़िगरेशन की, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमने लास्ट टाइम दोस्तों जो कॉन्फ़िगर किया था वो कंपनी कोड किया था। अब हम सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेंगे जो कि अंडर आता है सेल्स एरिया के, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन करेंगे और उसके बाद डिवीज़न डिफाइन करेंगे। तो पूरा जो सेल्स एरिया है वो डिफाइन करेंगे इस वीडियो में हम। तो आइए शुरू करते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये जो इस बुक में आपको पाथ दिख रहा है दोस्तों, तो ये SPRO जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताई थी उसका पाथ है। अगर आपको इसकी ट्रांजेक्शन याद है तो आप डायरेक्ट ट्रांजेक्शन पर क्लिक कर, ट्रांजेक्शन एंटर करके इस पाथ पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसमें डायरेक्ट हर एक चीज़ का ट्रांजेक्शन भी होगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन से आप डायरेक्ट इस स्क्रीन पे पहुंच सकते हैं। तो अभी के लिए हम इस बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं ये पाथ लेके, क्योंकि ये पाथ भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं तो आपको ये पाथ भी याद होना चाहिए। तो आइए IMG यहाँ पाथ दिया है IMG, तो IMG तक हम कैसे चलेंगे। सबसे पहले स्लैश एन करता हूँ तो इस स्क्रीन से ये बाहर आ जाएगा। अब ये हम इनिशियल स्क्रीन पे आ गए हैं, वेलकम स्क्रीन है ये, और यहाँ हम डालते हैं SPRO कैपिटल या स्मॉल, किसी भी लेटर में आप इसको डाल सकते हैं। ये एक SPRO ट्रांजेक्शन है कस्टमाइजेशन के लिए। जो भी SAP में कस्टमाइजेशन होता है, डिफाइन होता है, तो हम इस ट्रांजेक्शन के थ्रू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप कर दिया दोस्तों SPRO, और ये टिक मार्क जो दिख रहा है एंटर, इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब ये मेरी स्क्रीन आ गई है दोस्तों IMG की। यहाँ आप पढ़ेंगे SAP रेफरेंस IMG, और बुक में अगर देखेंगे तो ये IMG दिया हुआ है। तो आपकी ये स्क्रीन आ गई है IMG की, इस पे आप क्लिक करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक जो सेल ऑर्डर की ट्रांजेक्शन होती है आप नोट कर सकते हैं VA01। जब सेल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको अभी बताया, जो सेल डिपार्टमेंट होता है वो किसी कस्टमर को मटेरियल बेचता है, तो जो उससे ऑर्डर हम उस जो कस्टमर का जो ऑर्डर रहता है वो क्रिएट करते हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन VA01 है। हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे, इंक्वायरी से, फिर कोटेशन से, फिर सेल ऑर्डर से। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अभी डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, तो वो क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं हमको वो पता होना चाहिए। अभी ये IMG पे हमने क्लिक किया था तो ये IMG की स्क्रीन खुल गई है कस्टमाइजिंग के लिए।
पहले सेल ऑर्डर पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी ये जब हम सेल ऑर्डर बनाएंगे तो ये हमारा ऑर्डर टाइप रहता है कि हमारा मटेरियल डोमेस्टिक विद इन इंडिया बिक रहा है या किस टाइप का हमारा ऑर्डर है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या फिर नॉर्मल ऑर्डर है। तो यहाँ ऑर्डर टाइप अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड जो ऑर्डर हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे आपको ऑर्डर टाइप दिखा देगा कि कस्टमर का ऑर्डर किस टाइप का है, स्टैंडर्ड है, नॉर्मल ऑर्डर है या कंसाइनमेंट का है या किसी डीलर के थ्रू है या डायरेक्ट थ्रू डीलर है या डायरेक्ट सेल है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करते हैं। जैसे जो SAP का जो स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप है दोस्तों, वो OR है, जो आप जैसे ही ये IDS आप इंस्टॉल करते हैं या नॉर्मल जो ओरिजिनल SAP भी आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी ये स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप OR ही रहता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप है, तो ये कस्टमर का ऑर्डर टाइप हो गया। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डाटा, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन, किस सेल ऑर्गेनाइजेशन से ये मटेरियल इस कस्टमर को बेचा जा रहा है, तो वो सेल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ नाम आता है या ये कोड, जो कोड दिख रहा है हमको वो कोड। तो ये कोड हमको डिफाइन करना है दोस्तों, किसी कंपनी में अगर हम जाते हैं उनके लिए, उस कंपनी के लिए सेल ऑर्गेनाइजेशन हमको डिफाइन करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने सेल ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो ऐसे ही हम SPRO में एक सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम कंपनी कोड ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं और कंपनी भी डिफाइन कर चुके हैं। अब उस कंपनी के लिए हमको सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की करनी है जो उस कंपनी का मटेरियल सेल करेगी एंड कस्टमर को। तो हम SPRO में चलते हैं। ये IMG स्क्रीन आ गई है कस्टमाइजिंग के लिए। मैंने आपको बताया था कि अभी हम जो ये कर रहे हैं, ये जो सारा है, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का। तो ये स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं SD साइड से, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड से। तो हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके इसको डिफाइन करेंगे। ये जो आपको मार्क दिख रहा है, इस पर क्लिक करें तो ये स्ट्रक्चर खुल जाएगा आपके सामने। ये स्ट्रक्चर खुल गया। अब भी हम डिफाइन कर रहे हैं, कोई चीज़ नई बना रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे। ये जो डेफिनेशन का जो बटन दिख रहा है एरो का, इस पर। और जब ये सारा कुछ डिफाइन हो जाएगा तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपस में या इनकी लिंकिंग करने के लिए इनको असाइन करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम डिफाइन कर रहे हैं तो डिफाइन में चलते हैं। ये डिफाइन में आ गए हम। अब हमको कौन से मॉड्यूल के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डिफाइन करनी है। जैसे कि ये फाइनेंस है, तो मैंने आपको बताया था जो कंपनी है और कंपनी कोड है वो फाइनेंस का जो कंसल्टेंट होगा वो डिफाइन करता है। यहाँ आपको इनिशियल स्टेज से बता रहे हैं, इसलिए हमने खुद डिफाइन किया है। अदरवाइज़ आपको, अगर आप SD कंसल्टेंट हैं, तो आपको FI का जो फाइनेंस का जो कंसल्टेंट होगा वो आपको ये कंपनी कोड और कंपनी डिफाइन करके देगा। उसके बाद सेल्स से जो कंसल्टेंट रहेगा, ये जो सेल्स से जो कंसल्टेंट रहेगा वो ये सभी जो रेड में आपको दिख रहा है, ये सेल्स कंसल्टेंट डिफाइन करेगा जो SD साइड से रहेगा। तो हमको सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो घड़ी का निशान दिख रहा है, ये एग्जीक्यूट का बटन है। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमको एक स्क्रीन दे देगा जिसपे हम सेल ऑर्गेनाइजेशन जो पहले से डिफाइन है उनका नाम चेंज कर सकते हैं, उनको डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर कोई नई सेल ऑर्गेनाइजेशन हमने बनानी है तो वो बना भी सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आपको सेल ऑर्डर में दिखाया, ये सेल ऑर्डर में मान लीजिए सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चार सेल ऑर्गेनाइजेशन मैंने डिफाइन की हुई हैं। मान लीजिए ये रवि नाम से जो है, मेरे को इसका नाम चेंज करके अश्वनी करना है। तो SPRO में जाएंगे और सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन डाटा में जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं इस घड़ी के निशान को क्लिक करता हूँ, इसको बटन को प्रेस करता हूँ,
तो अभी मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन और कॉपी डिलीट चेक सेल ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कॉपी डिलीट चेक सेल ऑर्गेनाइजेशन, या आप इस पर डिफाइन पे भी क्लिक करेंगे तो भी ये आपको दोनों पार्ट दिखाएगा। ये जो ऑलरेडी जो डिफाइन है यहाँ, ये अभी मैंने IDS अभी जस्ट रन किया है तो ये थोड़ा स्लो है। इसकी जो सभी सर्विसेज हैं जो सर्वर की, वो जैसे जैसे स्टार्ट होती हैं तो वैसे वैसे ये फास्ट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये चार सेल ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ दिखा रहा है। तो अभी मैंने इस पर क्लिक किया है कॉपी डिलीट, अभी ये मेरे को बोल रहा है डिस्प्ले लॉक डेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही ये सेल ऑर्गेनाइजेशन रवि नाम से जो डिफाइन की हुई यहाँ ओपन की हुई है, तो इसीलिए मेरे को ये मैसेज दे रहा है डाटा लॉक बाय यूज़र SAP AGSD। तो जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा यहाँ से, ये मैंने बंद कर दिया, और अभी हम अगर इसको नो करके और दोबारा से इस कॉपी पे क्लिक करते हैं कॉपी डिलीट चेक पे, तो अभी ये एरर नहीं शो करेगा हमको, क्योंकि अभी ये हमको सिस्टम क्या बता रहा है कि जो हम जो सेल ऑर्गेनाइजेशन का डाटा चेक करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी किसी इस सेशन पे ऑलरेडी खुला हुआ है जो कि लॉक है, क्योंकि चेंजेबल मोड में है। कहीं ना कहीं अगर कोई भी डाटा चेंजेबल मोड में खुला होगा SAP में, तो वो अगर आप उसी को कोई दूसरा यूज़र एक्सेस कर उसी को सेम यूज़र एक्सेस करता है तो वो उसको लॉक बताएगा। अभी ये डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन पर मैंने क्लिक किया, जैसे मैं ये बता रहा था आपको कि रवि नाम को मेरे को अश्वनी करना है, तो अश्वनी मैं यहाँ डालता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने यहाँ नाम चेंज कर दिया है और मैं इसको सेव करता हूँ, ये सेव का बटन है। तो मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो ये मैसेज मेरे को दे रहा है डाटा वाज सेव, डाटा सेव हो गया है। अब मैं इसे बाहर आ जाता हूँ, और अगर दोबारा यहाँ अभी रवि दिखा रहा है आपको, मैं इसको बंद करके दोबारा पॉपअप करता हूँ विंडो को, इस टैब को, तो यहाँ आप देखेंगे कि फोर टाइम जो फोर है, यहाँ नेम चेंज हो गया, अश्वनी आ गया है। तो ये सेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने चेंज कर दिया है। तो हम एग्जिस्टिंग जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं इनको, कोई भी ये जो चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है ये, तो आप एग्जिस्टिंग में चेंज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग को डिलीट भी कर सकते हैं, या फिर कोई नई क्रिएट कर सकते हैं। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने जा रहे थे, आइए क्रिएट करते हैं डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, और ये जो डिलीट का बटन दिख रहा है ये रेड मार्क के साथ, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ डिलीटेड एंट्री 1, क्योंकि हमने एक डिलीट एंट्री की है तो इसने हमको मैसेज दिया है सिस्टम ने कि आपने एक एंट्री है जो वो डिलीट हो गई है। उसके बाद अगर इसको हम सेव करते हैं तो ये सेव हो जाएगा। अब सिर्फ मेरे पास 3 सेल ऑर्गेनाइजेशन बच गई हैं। यहाँ जो हमने पॉपअप किया था तो पहले 4 सेल ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा था हमको,
अब ये हमको कितनी सेल ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, तीन। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्रिएट करते हैं अपने लिए एक सेल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ डिफाइन पर क्लिक करेंगे हम, ये एस पी आर ओ ट्रांजेक्शन है। उसके बाद आई एम जी मीनू पाथ पर क्लिक करके हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में आ गए। फिर उसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद सेल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी है तो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये डेफिनेशन पे हमने डिफाइन पे क्लिक किया। उसके बाद डिफाइन सेल ऑर्गेनाइजेशन, अभी ये डाटा लॉक बता रहा है क्योंकि मैंने उसको यहाँ ओपन किया हुआ है। मैं इसको बंद करता हूँ। अभी हमको नई सेल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है तो ये ऊपर न्यू एंट्रीज है, इस पर आप क्लिक करो। आप सेल ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। सबसे पहले तो दोस्तों, जब भी आप कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर आप आईडीएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे कि ये फील्ड आपको दिख रहा है, आप इस पर पहले न्यूमेरिक वैल्यू डाल के देखो। इसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी, मैक्सिमम लेंथ इसकी 4 है, 4 से ज़्यादा वैल्यू हम नहीं डाल सकते। उसके बाद आप इसमें करेक्टर डाल के देखो, और करेक्टर डालोगे एंटर करोगे तो वो करेक्टर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो इससे हमको पता चल जाएगा। ये जो फील्ड है, एक तो ये 4 डिजिट की लेंथ है इसकी, और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, मतलब आप इसमें अल्फ़ाबेटिक वर्ड भी डाल सकते हैं और न्यूमेरिक वर्ड भी डाल सकते हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने हमेशा ऐसा नंबर या ऐसा नेम डालना है जो आपको ईजिली रिमेंबर रहे। तो जैसे कि मैं सेल ऑर्गेनाइजेशन डालता हूँ यहाँ 5,000, और इसको हम नाम देते हैं सेल्स ऑर्ग फॉर माय कंपनी। ये हमारी कंपनी के लिए हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर इंडिया में है तो इसकी स्टैटिक करेंसी क्या रहेगी दोस्तों? जाहिर सी बात है, INR रहेगी, इंडियन रुपीस। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे INR डाल सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सेल ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंट्री में है जहाँ USD ही डॉलर चलता है, तो आपको वहाँ स्टैटिक करेंसी जो रहेगी वो USD डॉलर लेनी पड़ेगी। ये देखिए, ये सभी करेंसी आ गई हैं, अलग अलग देश की करेंसी। अगर मैं इसमें इंडिया डालता हूँ, ये ऊपर आपको फाइंड का बटन दिख रहा है, आप यहाँ पे करेंसी का नाम डाल सकते हैं या जो कंट्री है उसका नाम डाल सकते हैं। करेंसी का नाम डालता हूँ मैं INR, और ये एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को दिखाता है INR जो करेंसी है वो किससे बिलोंग करती है, इंडियन रुपीज़, इंडिया से। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये यहाँ सेलेक्ट हो गया है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, ये सेल ऑर्गेनाइजेशन को नाम दिया एक सेल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माई कंपनी, और ये इसका कोड हो गया दोस्तों। ये कोड को मैंने, अब मैंने इसकी करेंसी डिफाइन कर दी है कि स्टैटिक करेंसी मेरी INR है। कोई रिबेट का प्रोसेस रहता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको अनचेक रहने दें। उसके बाद दोस्तों, एक कैलेंडर रहता है SAP के अंदर, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन कैलेंडर बोलते हैं इसको। इस कैलेंडर में डिफाइन होता है कि इस कंपनी की जो ऑफ डेज हैं या वर्किंग डेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो आगे हम सारा कुछ समझेंगे कि ये कैलेंडर कैसे डिफाइन करते हैं या ये कैलेंडर में चेंज कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर हमारी कंपनी 5-day week वर्क करती है, एक सप्ताह में 5 ही दिन काम करती है, तो जो सैटरडे संडे है हम इस कैलेंडर के अंदर ऑफ रख सकते हैं कि हमारा हॉलीडे है उन दिनों, सैटरडे संडे। तो जब भी कोई SAP के अंदर कुछ भी एंट्री पोस्ट करना चाहेगा इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो वो सैटरडे संडे जो हमने हॉलीडे दिया हुआ है इस सिस्टम को, तो ये सिस्टम हमको सैटरडे संडे
वाले दिन एंट्री पोस्ट नहीं करने देगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कैलेंडर के अंदर ये डिफाइन किया है कि इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सैटरडे संडे ऑफ है। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड जो कैलेंडर है जर्मनी का स्टैंडर्ड 01 वो सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एंटर कर रहा हूँ मैं। यहाँ वार्निंग बोल रहा है स्टैटिक करेंसी केस डाटा इनकंसिस्टेंसी, ओके करते हैं, उसके बाद मैं ये सेव कर देता हूँ। अभी ये एरर इसीलिए लिया क्योंकि ये जो कैलेंडर है मैंने ये जर्मनी का उठाया है और जो करेंसी है वो इंडिया की है, तो इसीलिए ये सिस्टम मेरे को एरर दे रहा है। जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया तो ये अब ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंपनी इंडिया के अंदर थी, हरियाणा के अंदर मैंने आपको बताया था, तो ये सेल ऑर्गेनाइजेशन भी उसी कंपनी की है, तो इसीलिए इसका भी एड्रेस हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अभी मैं ऊपर कंपनी सेलेक्ट करता हूँ और ये जो मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में सेल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माय कंपनी, यहाँ फुल नेम देता हूँ उसको, सेल्स ऑर्ग फॉर माय कंपनी, ये सर्च टर्म है दोस्तों। सर्च टर्म का मतलब होता है कि कहीं भी हम F4 करके कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हम इसको एक शॉर्ट नेम देते हैं। जैसे मैंने सेल्स के लिए मैंने S लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने O लिख दिया, और फिर माई कंपनी के लिए मैंने M4 माई और कंपनी के लिए C। तो जब भी मैं सर्च करूँगा तो मैं ये शॉर्ट फॉर्म डाल के सर्च कर सकता हूँ या इस नाम से मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। उसके बाद ये कौन सी कंट्री में सेल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया में है तो मैंने IN डाल दिया, और रीज़न क्या पड़ता है हरियाणा, मैंने 07 डाल दिया। अब मैं ये जो प्लस का निशान दिख रहा है मोर फील्ड का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस सेल ऑर्गेनाइजेशन का आप एड्रेस फिल कर सकते हो कि ये सेल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है। तो मैं मान लीजिए ये डाल रहा हूँ 777 फर्स्ट फ्लोर, और उसके बाद हिसार हरियाणा 125001, ये मैंने इसका एड्रेस डाल दिया, और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ये जो टिक का निशान दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए डाटा वाज सेव। अभी हम सेल ऑर्डर में जो क्रिएट की स्क्रीन है ऊपर आप पढ़ेंगे क्रिएट सेल ऑर्डर इनिशियल स्क्रीन, ये सबसे पहली स्क्रीन है सेल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ सेल ऑर्गेनाइजेशन पे जाके अब मैं अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सेल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है तो इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन करेंगे, तो आइए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट पाथ है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो स्क्रीन आपने ऑलरेडी ओपन की हुई है डिफाइन और सेल ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो ये है डिफाइन कॉपी डिलीट चेक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है तो ये इसी के नीचे है। अब आप इस पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्रिएट डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल ऑर्डर में आते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन है। अभी ये एरर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है मैंने आपको बताया था सेल्स लाइन, यहाँ हमने पढ़ा था सेल्स एरिया, तो कॉम्बिनेशन इन तीनों का है सेल्स एरिया, और जब ये तीनों मैं डिफाइन कर दूंगा तो इनको असाइन करना पड़ेगा। तो सेम लिंकिंग यहाँ है, मैंने ये जो 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन तो कर दी है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इसको असाइन नहीं है, इसलिए ये मेरे को ये एरर दे रहा है रिस्ट्रक्शन का। अभी मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ अपनी सेल ऑर्गेनाइजेशन 1000 डालता हूँ, उसके बाद ये एरर नहीं देगा। ये देखिए जो मीडियम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैंने आपको बताया था कि किस मीडियम के थ्रू मटेरियल ये सेल ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर को बेच रही है, तो ये जो मीडियम है मैंने ये डिफाइन किए हैं, या तो वो डीलर के थ्रू बेचेगी या वो डायरेक्ट एंड कस्टमर को बेच देगी, या कंसाइनमेंट ऑर्डर है, या गवर्नमेंट स्पेशल गवर्नमेंट को, या ब्रांच ट्रांसफ़र होगा, या ट्रेडिंग होगी डायरेक्ट थ्रू डीलर या अदर्स। तो ऐसे ही हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन करते हैं।
ये डिफाइन पे क्लिक करेंगे, अब ये स्क्रीन खुल गई, ये आपको दिखा रहा है कि ऑलरेडी जो डिफाइन है वो ये हैं, और अगर आपको न्यू एंट्री कोई डिफाइन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नया बनाना है, तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करें, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालें। अब आप यहाँ देखेंगे, मैं बार बार प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये 2 से ज़्यादा नंबर नहीं ले रहा है, और अगर मैं इसमें अल्फ़ाबेट डालता हूँ तो भी ये 2 ही नंबर ले रहा है। तो ये भी फील्ड जो है ये भी अल्फा न्यूमेरिक है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट तक है। तो मैं इसमें डालता हूँ दोस्तों 1717, और ये क्या है, माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैंने इसको नाम दे दिया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया है दोस्तों। अब सेल ऑर्डर क्रिएशन स्क्रीन पे चलते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चेक करते हैं कि हमने जो डिफाइन किया है वो आया कि नहीं। यहाँ ये हमको वो डिफाइन जो हमने सेल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन किया है 1717, वो अभी क्यों शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ सेल ऑर्गेनाइजेशन दूसरी डाली हुई है। जैसे ही मैं इसको ब्लैंक करूँगा सभी को, जैसे मैं इसको ब्लैंक करता हूँ दोस्तों ये 1000 को, तो ये मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल शो करेगा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 17 क्रिएट किया था, ये आप धीरे धीरे समझेंगे कि ये कभी तो ये शो कर रहा है, कभी ये नहीं दिखा रहा है जो हमने डिफाइन किया, क्योंकि अभी तक इनकी लिंकिंग आपस में नहीं हुई है, जो असाइनमेंट है हमने वो किया नहीं है। अब मैं यहाँ पॉपअप करता हूँ, डाटाबेस से यहाँ ये हमको 17 शो कर रहा है जहाँ हमने डिफाइन किया है। इसको क्लोज करते हैं एक सेल ऑर्डर को, अभी ये देखते हैं कि ये हमको 17 दिखाता है कि नहीं दिखाता। अभी तक ये डिफ़ॉल्ट में ये डीलर का आ रहा है दोस्तों, जो कि ये 20 आ रहा है, इसलिए हमको यहाँ शो नहीं कर रहा है। जैसे ही हम OR डालते हैं, अभी हमको शो करेगा यहाँ 17
यहाँ हमको सेल ऑर्गेनाइजेशन डालना पड़ेगा 1000, उसके बाद अच्छा 1000 के अंडर में ये सभी शो कर रहा है हमको, ये इसीलिए शो नहीं कर रहा दोस्तों क्योंकि अभी तक हमने इसको किसी सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन नहीं किया है। तो अगर हम SPRO में दोबारा जाते हैं अभी हम इसको 1000 सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करेंगे तो ये हमको शो करेगा। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, असाइनमेंट में जाएंगे, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम बाद में भी असाइन कर सकते हैं, हम अभी डिफाइन किया है हमने इसीलिए इसमें हमको शो नहीं कर रहे क्योंकि ये जो पूरा डाटा है ये सेल्स एरिया है जिसकी लिंकिंग ज़रूरी है। अगर ये विदाउट सेल ऑर्गेनाइजेशन हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 17 शो नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक यही जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो असाइन हुई है 1000 के अगेंस्ट में। तो जो सेल्स एरिया है हमको सिर्फ वही शो कर रहा है। ये देखिए ये सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया क्योंकि ये जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ऑलरेडी ये इन सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन है। तो अभी तक हमारा कोई सेल्स एरिया ही नहीं बना है, हमने डिफाइन तो किया है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर असाइन नहीं किया है। तो असाइनमेंट में जाएंगे, सेल ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। अब मैं जो मैं हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट किया था वो हमको हमको किस सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना है, यहाँ असाइन पे क्लिक करते हैं दोस्तों। मान लीजिए 1000 को असाइन करना है, इस 1000 पे क्लिक करूँगा मैं सिंगल और उसके बाद असाइन पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ एक ये एरिया ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दिखा रहा है जो अभी तक किसी भी सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन नहीं है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये ओके करूँगा तो ये इसको असाइन हो जाएगा। ये देखिए अब आप इसको अगर स्क्रॉल अप करेंगे यहाँ से तो इसमें 17 भी ऐड हो गया है इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, 1000 के अगेंस्ट में। अब मैं सेव करूँगा इसको तो अभी ये मेरे को इस सेल ऑर्डर में शो करेगा। ये मैं 1000 डाल रहा हूँ सेल ऑर्गेनाइजेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने 17 क्रिएट किया है वो यहाँ हमको शो कर रहा है। तो ये अभी तक इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने असाइन नहीं किया था एरिया। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, पहले हम ये सभी क्रिएट करेंगे फिर उसके बाद असाइनमेंट करेंगे पूरे सेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो यहीं जाएंगे, अभी मेरे को ये जो है पर्टिकुलर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये डी असाइन करना है, डिलीट करना है ये असाइनमेंट 1000 में से। तो मैं इस 17 पे क्लिक करके डिलीट करूँगा तो ये सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस सेल ऑर्गेनाइजेशन में से हट गया है या निकल गया है, बाहर निकल गया है। अब उसके बाद सेव करता हूँ तो अभी दोबारा इस पर असाइन पर क्लिक करूँगा तो ये सिंगल मेरे को दिखाएगा कि ये अभी तक असाइन नहीं किया किसी सेल ऑर्गेनाइजेशन को। तो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट करना है वो सीखा है, उसके बाद हम डिवीज़न क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, दोबारा से SPRO में आना है या यहीं से आप आ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रन कर रहा हूँ इसको ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और उसके बाद डेफिनेशंस, डेफिनेशंस के बाद जो डिवीज़न है वो कहाँ है, ये रहा दोस्तों लॉजिस्टिक जर्नल में। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था जो डिवीज़न है प्लांट है, जो प्लांट है ये किसके अंडर में आता है, लॉजिस्टिक के अंडर में। तो यहाँ डिवीज़न क्रिएट करनी है हमको, ये जो डिवीज़न है तो आइए डिवीज़न कैसे क्रिएट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करेंगे डिवीज़न को, डिफाइन डिवीज़न इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आप डिवीज़न डिफाइन कर सकते हैं। न्यू एंट्री पे जाके ये भी 2 डिजिट का है, अल्फा न्यूमेरिक है,
मान लीजिए माई डिवीज़न करता हूँ मैं MD नाम से, माई डिवीज़न और माई डिवीज़न इसको मैं नाम देता हूँ। उसके बाद इसको सेव करता हूँ। तो अभी हमने क्या डिफाइन किया है दोस्तों, सेल्स एरिया। सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बाद डिवीज़न। अब सेल्स एरिया ये तभी इसको सेल्स एरिया बोल सकते हैं तब तक जब इनकी लिंकिंग आपस में हम कर देंगे या इनका असाइनमेंट हो जाएगा। अभी सिर्फ हमने डिफाइन किया है तो हम सेल्स एरिया नहीं बोल सकते इसको। आइए इनको असाइन करते हैं, बैक चलेंगे। ये डिफाइन हम कर चुके हैं इसलिए इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और ये असाइनमेंट जो है इस पर क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन की थी तो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चलते हैं। अब हमको सेल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल असाइन करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ असाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करता हूँ। और हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या डिफाइन की थी, 7000। इसको अब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था हमारा वो क्या था, वो असाइन करते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था 17, तो सिर्फ 17 पे मैं क्लिक करूँगा और ये ओके कर दूँगा। अब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ ये देखेंगे कि ये जो लिंकिंग ये लाइन दिख रही है मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन हो चुका है। अगर मैं सेव पे क्लिक नहीं करता वैसे ही बाहर आ जाता हूँ तो ये असाइन नहीं होगा, इसको सेव करना ज़रूरी है। तो मैंने ये सेव कर दिया। अब अगर सेल ऑर्डर में चलते हैं, मैं यहाँ 7000 डालता हूँ और अब मैं इस पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखता हूँ तो मेरे को ये दिखाता है कि इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ अभी तक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो इसको असाइन है, जिसके थ्रू ये मटेरियल कस्टमर को बेच सकता है। वो कौन सा है, माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब हम इसी सेल ऑर्गेनाइजेशन को डिवीज़न असाइन करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। असाइन डिवीज़न टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी असाइनमेंट के अंदर ही है, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। तो असाइन डिवीज़न टू सेल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो घड़ी का निशान दिख रहा है एग्जीक्यूट बटन है ये, इस पर क्लिक करो। और अब हमको किस सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन करना है, स्क्रॉल डाउन करके वो सेल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। ये जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमने क्या असाइन करना है, डिवीज़न। आप दोस्तों यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और उसके नीचे डिवीज़न, तो जिसको आप असाइन कर रहे हैं उसका नाम ऊपर है और जो चीज़ असाइन हो रही है उसका नाम नीचे है, डिवीज़न। तो हमको इस 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन किया करना है डिवीज़न, इस पर सिंगल क्लिक करेंगे और असाइन करेंगे, असाइन का बटन प्रेस करेंगे। तो अभी मेरे को ये फ़िलहाल जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं वो सॉरी डिवीज़न है वो दिखा रहा है। तो माई डिवीज़न हमने क्रिएट किया था इस 7000 के लिए, तो हम इसको असाइन करते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे और ये ओके का बटन करेंगे। अब आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि डिवीज़न जो है ये आपकी सेल ऑर्गेनाइजेशन 7000 को असाइन हो गया है। अब आप सेव कर सकते हैं। अब सेल्स ऑर्डर पे चलते हैं। मैंने ये सेल्स एरिया पूरा जो आपको यहाँ दिखाया ये असाइन हो गया है, अब हम इसको सेल्स एरिया बोल सकते हैं। तो सेल्स एरिया जैसे ही असाइन होगा तभी हमको सिस्टम यहाँ एंट्री करने देगा। अब हमने सेल ऑर्गेनाइजेशन ये डिफाइन की, इसके अंडर में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा ले रहे हैं हम, 17, तो 17 आ गया। अब हम प्रोडक्ट कौन सा सेल कर रहे हैं तो डिवीज़न में जाएंगे, नो वैल्यू फाउंड फॉर दिस सिलेक्शन, ओके। अभी तक हमने क्या किया है दोस्तों, डिवीज़न तो सेल ऑर्गेनाइजेशन को असाइन की है परंतु ये डिवीज़न हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को असाइन नहीं की है। यहाँ बैक करते हैं, दोबारा से देखते हैं ऑलरेडी असाइन है या यहाँ असाइन है। अब ये जो डिवीज़न दिख रही है आपको, ये जो डिवीज़न MD, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी असाइन करनी है हमको, तो बैक करेंगे।
सेल्स एरिया डिफाइन करेंगे अब हम लोग, सेल्स एरिया। तो सेल्स एरिया में क्या होगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। एग्जीक्यूट, सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, सेल ऑर्गेनाइजेशन ये है 1000। अब आप यहाँ एक चीज़ नोट करेंगे दोस्तों, सबसे ऊपर आ रहा है सेल ऑर्गेनाइजेशन, फिर आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और उसके नीचे है डिवीज़न, तो इसी को सेल्स एरिया बोलते हैं। अब सेल्स एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं हम, इस पर क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन पे जो हमने क्रिएट की है, असाइन करेंगे। तो अब यहाँ ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो हमने डिफाइन किया था, माई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 17, इस पर क्लिक करता हूँ ओके। अभी उसके बाद हम फिर से इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कौन सा डिवीज़न असाइन करना है वो हम देखेंगे। तो अभी 7000 के साथ डिवीज़न लिंक है इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अब इस डिवीज़न को लिंक करेंगे, सॉरी इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लिंक करेंगे डिवीज़न से। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे क्लिक करेंगे असाइन, और ये डिवीज़न, इसको मैंने ये डिवीज़न भी असाइन कर दिया। तो अब ये मेरा प्रॉपर एक सेल्स एरिया असाइन हो गया है। सेल्स एरिया इसीलिए बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये एक सेल साइकिल का काम करता है। ये सेल ऑर्गेनाइजेशन इस मीडियम के थ्रू ये मटेरियल बेचेगी, मीन्स 7000 सेल ऑर्गेनाइजेशन है जो, वो 17 नंबर डिवीज़न यूज़ करके एमडी मटेरियल एंड कस्टमर को यूज़ करेगी। तो ये एक सेल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, और आप देख सकते हैं इसकी लिंकिंग हो चुकी है। अब हम इसको सेव करते हैं। अब हम अगर यहाँ पे 7000 डालते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालते हैं, अब हमको यहाँ डिवीज़न दिखाएगा, ये देखिए दोस्तों। तो ये अब हमको डिवीज़न भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये एमडी आ गया है इस सेल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये डिवीज़न, ये एमडी। तो ये पूरा सेल्स एरिया हो गया, ये सेल ऑर्गेनाइजेशन होगी 7000, ये 17 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और ये एमडी माय डिवीज़न बनाया था हमने, ये डिवीज़न हो गया। तो आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि एक सेल्स एरिया कैसे डिफाइन करते हैं। ये तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंप्लीट करेंगे, पूरा कंप्लीट, और उसका असाइनमेंट भी करेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अच्छी लग रही है आपको हमारी वीडियो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और हमारे इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियो से SAP लर्न कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, सेल ऑर्गेनाइजेशन तक, जो सेल एरिया है वहाँ तक, उसके बाद हम आगे प्लांट कैसे क्रिएट करना है, पूरा जो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है उसको हम फिनिश करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम मास्टर डाटा पे चलेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, थैंक यू।